दोस्तों, जब आप पूरे दिन काम करने के बाद घर पर आते हैं और रात को बिस्तर पर लेटते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैरों में दर्द होने लगता है, टांगों में दर्द होने लगता है, कई लोगों को तो पैरों में दर्द चलते समय भी होने लगता है। तो दोस्तों, यह कोई बीमारी नहीं है, हमारी बॉडी में कुछ कमी यानी मिनरल्स की कमी की वजह से यह दर्द होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस दर्द को आप किस तरह से दूर कर सकते हो। मैं आपको तीन ऐसे ट्रीटमेंट बताऊंगा, अगर आप इन तीनों ट्रीटमेंट को, इन तीनों रेमेडी को फॉलो करोगे, आपको बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है वह है अलसी और तिल। करना क्या है, अलसी और तिल दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। 50 ग्राम अगर आपने अलसी लिया तो 50 ग्राम तिल ले लीजिए और दोनों को तवे पर हल्का भून लीजिए। और भूनने के लिए आपको इसमें ना ही तेल और ना ही घी का इस्तेमाल करना है, इसे सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। भूनने के बाद किसी डिब्बे में भरकर रख लीजिए और रोजाना दोपहर के खाना खाने के बाद या रात के खाना खाने के बाद या फिर सुबह नाश्ते के बाद 1 से 2 चम्मच फांक लीजिए और चबा चबा कर खा लीजिए। दिन में 3 से 4 चम्मच आपको इसके कंज्यूम करने हैं और ऐसा आपको इस ठंड के मौसम में करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलसी और तिल दोनों की तहसीर गर्म होती है। तो गर्मी में अगर आपको लेना हो तो 1 से 2 चम्मच ले सकते हो, लेकिन इस ठंड के मौसम में आप पूरे दिन में 3 से 4 चम्मच कंज्यूम कीजिए। देखिए, इसमें काफ़ी सारा पोटेशियम मौजूद होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो मांसपेशियों को ताकत देता है, हड्डियों को मजबूत करता है। अगर हमारे मांसपेशियों और हड्डियों में ताकत होगी तो हमारे घुटनों में, जोड़ों में, हाथों में दर्द नहीं होगा। इसके अलावा तिल में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों, जो तिल है वह कैल्शियम का पावर हाउस है। मात्र 1 चम्मच तिल में 100 mg से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो तिल का सेवन इस ठंड के मौसम में हर किसी को करना चाहिए ताकि शरीर में कैल्शियम की कमी न हो। दोस्तों, इस तरह से आपको पूरे ठंड के मौसम में इसको फॉलो करना है। अगर आपको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, गठिया, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो भी आप इसे फॉलो कीजिए। इसके अलावा दूसरा उपाय यह करना है, आपको रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास गर्म पानी में भिगो देना है और सुबह उठने के बाद मेथी को चबा चबा कर खा लेना है और मेथी का जो पानी है उसे पी लेना है। दोस्तों, मेथी जो है वह वात रोगों को दूर करता है और यह हड्डियों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हाथों पैरों में दर्द होना, गठिया, अर्थराइटिस, कमर में दर्द होना या फिर नसों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो, नसें कमज़ोर हो गई हों, पैरों के तलवों में दर्द होता हो, यह सारी दिक्कतें जो है यह वात असंतुलित होने की वजह से होती है, यानी कि वायु असंतुलन होने की वजह से होती है। आपको पता ही होगा, हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं वह 3 चीजों के असंतुलन होने से होते हैं, वात, पित्त और कफ। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करके रखना है, यानी कि संतुलन में रखना है। तो वात को संतुलन रखने के लिए आपको मेथी का सेवन रोजाना करना है। अगर आपको मेथी कड़वी लगती हो तो आप इसके घर पर लड्डू बना लें। इसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूँ मसाज ऑयल के बारे में। जब भी जोड़ों में दर्द हो, कहीं भी दर्द क्यों ना हो, मसल्स पेन क्यों ना हो, आप इस तेल से मसाज कर लीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। इस ऑयल को बनाने के लिए हमें लगभग चाहिए होगा 40 से 50 ml सरसों का तेल, आधा चम्मच जायफल का पाउडर और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ। तो सबसे पहले सरसों के तेल को गर्म करने के लिए चढ़ा दें और उसमें डाल दें लहसुन, और लहसुन के बाद इसमें डाल दीजिए जायफल का पाउडर और इसे 2 से 3 मिनट तक गर्म कर लें। आपको सेम फ्लेम पर ही इसे गर्म करना है और जब यह तेल तैयार हो जाए तो इस तेल से जहाँ भी दर्द हो रहा है, घुटनों में, कमर में, हाथों में, पिंडलियों में, वहाँ आप लगाइए, आपको रिलीफ फील होने लगेगा। ऐसा आप 15 से 20 दिनों तक जरूर करें, आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो की जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बताना और ज़रूर जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।